नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। एक बार भोजपुर का कुलवर पुनः इतिहास रचने को तैयार है। भोजपुर व समस्त बिहार की जीवन रेखा कहलाने वाला सोन नद पर कोयलवर अवस्थित ऐतिहासिक अब्दुल बारी पुल के समानांतर दूसरा ऐतिहासिक पुल बनकर तैयार है। पुल निर्माण में लगे अधिकारियों की माने तो 1.528 किलोमीटर लंबे इस पुल में कुल 74 स्पेन होंगे जो पुल को मजबूती देंगे। पुराने अब्दुल बारी पुल से करीब 500 मीटर दक्षिण की ओर यह नया पुल बन रहा है। 194 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल 6-लेन पुल होगा। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोयलवर गांव के लिए भी अच्छा है क्योंकि जो ब्रिज बन रही है बहुत अच्छी सुविधा क्रिएट हो रही है आने जाने के लिए, क्योंकि जो पुरानी वाली अब्दुल बारी पुल कोयलवर है ब्रिज, उसमें कुछ ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जा रही थी और ये पुल की वजह से कुछ कम हो जाएगी ट्रैफिक और इजली हमारे ट्रैफिक जितनी गाड़ी होंगे। स्कूल के चालू होने से यातायात की समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगा? हाँ, बहुत सारी निजात मिलेगी। बहुत सारी परेशानी पहले झेलनी पड़ती थी, अब परेशानियाँ कम हो जाएंगी। मेरा नाम है MD आसिफ अली। बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि हम लोग पुराने पुल जो था वो उसमें बहुत ज़्यादा जाम हो जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ये पॉपुलेशन की वजह से। तो ये पुल है तो हम लोग का बहुत अच्छा रहेगा, कुछ आदमी इधर से भी निकल सकते हैं, कुछ उधर से भी चल जाएंगे इसके वजह से, और फिर हम लोग को भी बहुत सुविधा हुई है, आराम से हम लोग चले जाएंगे। ये पुल बहुत अच्छा है, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। नाम मोहम्मद अदनान सलीम। स्थानीय लोगों की माने तो नए पुल के बनने से भोजपुर वासियों को जाम से निजात मिलेगी। यह पुल बिहार की दूसरी जीवन रेखा साबित होगा। बिहार को उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों से जोड़ने वाला यह पुल राज्य के कई जिलों के लिए आशा की किरण लेकर आया है। यह नया पुल बनने से बिहार और भोजपुर समेत आरा और पटना के नागरिकों के लिए वरदान साबित होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।